हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो ऐसे फार्मा के शेयर या कह सकते हैं दो ऐसे शेयर जिनकी कॉस्ट लगभग पचास रुपए और सत्तर रुपए के आसपास है या फिर कह सकते हैं एक स्मॉल कैप कंपनी है जिनसे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं देखिए स्मॉल कैप में इतनी गिरावट हुई है कि लोग डर गए ओके बट आपको डरना है या आपको रिस्क लेके आपको अच्छी खास पैसे कमाने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बट जिस कंपनी से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है उन दो कंपनी में से एक के रिजल्ट आज आए हैं एक के रिजल्ट कुछ दिन पहले आए थे तो आप खुद देखिए फिर उसके बाद आप खुद डिसाइड करिए बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन मैं आपको हमें कोई देता नहीं हूँ बट आपको सिखाना मेरा मकसद है क्योंकि ये चैनल इसीलिए बनाया गया है ताकि आप लोग सीखिए देखिए आप लोग ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं मैं देखता हूँ कि उनके तीन लाख सत्तर

छोटे स्टॉक्स में पैसा ज्यादा आपको रिस्क भी रहती है तो रिवॉर्ड भी रहता है हमेशा मैं आपको इसके बारे में बताते रहता हूँ कि अगर जो ये दीपक नाइट्रेट आप सोचते हो कि पचास हजार परसेंट के रिटर्न दे दिए या किसी ने पंद्रह हजार परसेंट के रिटर्न दे दिए दस साल के अंदर अंदर तो वो क्यों दिए क्योंकि वो भी कभी स्मॉल कैप कंपनियां हुआ करती थी उनके ऊपर लोगों ने विश्वास किया इन्वेस्ट किया तभी जाके तो वो पैसा बना तो ऐसे ही दो कंपनी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं कि जो आपको यहां पर से आपके पैसे अभी भी डबल कर सकते हैं मुझे पर्सनली पसंद है वो शेयर और मैंने आज भी दोनों के दोनों शेयर को अगेन खरीदा है पहले भी वो मेरे पोर्टफोलियो में था तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर कर लीजिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दो वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं इन दोनों वीडियो को जाके देख लीजिए और यहाँ पर नॉलेज लीजिए सीखिए प्ले है आपके लिए बाकी बाकी निश्चय डिस्क्रिप्शन में लिंक है उन लिंक पे गो थ्रू करिए जाइए ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट में क्लिक करें फ्री में अकाउंट ओपन कराए और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर दीजिए तो जिन दो स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं उनमें से अगर हम बात करें एक स्टॉक्स की तो देखिए आज एक उसके रिजल्ट आए हैं अगर इन मिलियंस में रिजल्ट है स्टैंड रिजल्ट है कंसोलिडेट सबसे पहले मैं आपको स्टैंड रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ ये इस बार के रिजल्ट है लास्ट क्वार्टर के ये लास्ट ईयर के रिजल्ट है सेम क्वार्टर के क्यू के अगर हम यहाँ पर देखते हैं टोटल इनकम तो टोटल इनकम यहाँ पर देखिए आप सोलह सौ ग्यारह मिलियन रुपीज से पहले चौदह सौ चौरानवे से पहले पंद्रह सौ साठ तो ईयरली बेसिस पर इनकम में जंप है क्वार्टरली बेसिस पर भी जंप है एज वेल एज रेवेन्यू देखिए रेवेन्यू यहाँ पर क्वार्टरली बेस पर बढ़ रही है

प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो देखिए यहाँ पर तीन सौ इकतालीस मिलियन रुपीज से बढ़े तीन सौ चौबीस से बढ़े दो सौ उनचास तो ईयरली बेसिस पर भी जंप है क्वार्टरली बेसिस पर भी यहाँ पर प्रॉफिट में जंप है टैक्स और देने के बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो देखिए टू एटी नाइन मिलियन इस वाले टू थर्टी सिक्स और अभी टू, टू ट्वेंटी तो कंपनी ने इयरली बेसिस पे पर ही परफॉर्मेंस अच्छा किया है क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा किया मतलब कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में चल रही है और अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस देती आई है, है इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर ईपीएस की तो यहाँ पर ईपीएस देख लीजिए कंपनी का ईपीएस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इसके अलावा सेम अगर हम बात कर ले यहाँ पर कंसोलिडेट रिजल्ट की तो ईपीएस देखिए यहाँ पर ईपीएस यहाँ पर एक रुपए इक्यावन पैसे का इससे पहले एक रुपए तिरानवे और इससे पहले एक रुपए बीस पैसे इसका मतलब क्या है

तो यहाँ पर गिरावट है बट ईयरली बेसिस पर कंपनी ने अच्छा खासा जम दिखाया ये सारी की सारी कहानी है स्टैंड लॉन नंबर आपने देख लिए कि कंपनी जिस फार्मा कंपनी काम करती हुई नजर आती है जो सेक्टर में उसमें ये कंपनी अच्छा खासा है तो कंपनी का नाम क्या है तो कंपनी का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी का नाम है मार्क्सन फार्मा

यू के आर द लार्जेस्ट कस्टमर इनके 42 43 परसेंट के यू के से एस यहाँ पर रेस्पेक्टिवली यहाँ पर एक्सपोर्ट होता हुआ नजर आता है इनकी रेवेन्यू आती है और इसके अलावा ये 25 कंट्री में काम करते हैं नज़र आते हैं दे डू बिजनेस इन द यूके एंड यूएस विद द फ्रंट एंड प्रेजेंस थ्रू सब्सिडरीज के थ्रू ये काम करते हुए नजर आते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेटिड बिजनेस मॉडल भी अच्छा खासा है यहाँ पर इस कंपनी से आर एंड डी यहाँ पर ए पी में एक कंपनी काम करती हुई नज़र आती है यहाँ पर अगर बात करें इनका कंपनी ने लिमिटेड को यहाँ पर 2002 में और 2008 में एक्वायर्ड बाय

लगभग थर्टी नाइन आर ओ थर्टी वन परसेंट तो मैं आपको वो कंपनियां बता रहा हूं जहां पर कंपनी अच्छी खासी है आज के दिन में शेयर कितने सत्तर रुपए के आसपास चल रहा है और बात करें यहाँ पर इंट्रेंसी एटी टू है डेट फ्री कंपनी आर ओ सी बेहतरीन ओके पीई यहाँ पर कम है रिजल्ट आपने को मैंने दिखाई दिया है और ईयरली बेस क्वार्टरली बेसिस पर परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ देखिए यहाँ पर जो अभी रिजल्ट आया है अपडेट में हुए बट वो रिजल्ट uh, अभी के अच्छे खासे है ईयरली बेसिस पे क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर इंक्रीमेंट है हाइस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट्स आ रहे हैं यहाँ पर ईयरली बेसिस पे बात करें वो हाइस्ट एवर रेवेन्यू है कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ कर रही है नेट प्रॉफिट नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया है ये हाइएस्ट एवर है इसके अलावा रिजल्ट अच्छे खासे है कंपनी के पास ना के बराबर डेट है वर्किंग प्रोग्रेस में छे करोड़ रुपए फिक्स एसेट कंटिन्यूअसली कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है कैश फुल जो आता है पैसा यहाँ पर इनकी बुक में दिखाई देता है आर सबसे बेहतरीन है प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है एफ की होल्डिंग यहाँ पर है डी आई यहाँ पर है पब्लिक की बात करें 48 परसेंट दिखा रहा है बट यहाँ पर अगर बात करें फोर्टी में से 1 परसेंट की होल्डिंग यहाँ पर आ, मुकुल महावीर प्रसाद अग्रवाल ने ले रखी है बाकी अगर बात करें यहाँ पर कंपनी का अभी भी 47 सेवन परसेंट पर लोगों के पास है अभी अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके रिलेटेड मार्क्सन फार्मा तो देखिए मार्क्स एंड फार्मास रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये कंपनी यहाँ पर किस आर एस आई पे चल रही है सत्ताईस के आर एस आई पे चल रही है लगभग यहाँ पर फिफ्टी डीएमए को इसने तोड़ दिया है और जब जब इसने इस लेवल पर आया टू हंड्रेड डीएमए और यहाँ पर तो कंपनी ने अच्छी खासी जोरदार रिकवरी करी है और अच्छा खासा आपका पैसा बनाया मुझे ये शेयर लगभग सौ रुपए पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है इकहत्तर रुपये पे शेयर चल रहा है और यहाँ पर अगर बात करें इसका चार्ट पैटर्न तो आप देख सकते हैं बेहतरीन यहाँ पर ग्रोथ है कंपनी यहाँ पर जब पेंड में दस रुपये पे शेयर था नब्बे रुपए पे जाता हुआ सौ रुपए के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया मतलब दस गुना पैसा यहां पर हुआ फिर दोबारा अच्छे लेवल पर मिल रहा है तो लेना चाहिए इसके अलावा आर एस आई यहाँ पर देखिए जब जब यहाँ पर थर्टी के नीचे आर एस आई पे ये शेयर आया है थोड़ा बहुत ही गिरा है फिर उसके बाद अच्छी खासी जंप दिखाई है यहाँ पर देखिए यहाँ पर गिरा था अच्छी खासी यहाँ पर जंप थी ओके फिर यहाँ पर गिरा था तो अच्छी खासी जंप थी इससे पहले कंपनी यहाँ पर गिरा था तो थोड़ा सा आपको समझना होगा ओके कंपनी के नंबर्स पहले इसके मुताबिक और अच्छे आए हैं इसके अलावा एक और कंपनी से रिलेटेड आपको रूबरू करा देता हूँ यहाँ पर सेम अगर बात करें मोरफन लेबोरेटरी यहाँ पर एक कंपनी का नाम है इसके बाद बात करें देखिए आर ओसी ट्वेंटी फोर परसेंट आर ओसी ट्वेंटी सेवन परसेंट की बात करें

तो देखिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है और हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स हुई है हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है ईयरली बेसिस पे आपको बताऊं दो सौ करोड़ की सेल्स तेरह सौ करोड़ की सेल्स में तब्दील हो गई है लगभग छह गुना तो यहाँ पर इनकी सेल्स बढ़ गई है नेट प्रॉफिट की बात करें नेगेटिव नेट नेट प्रॉफिट एक करोड़ के प्रॉफिट में तब्दील हो गया है इसके अलावा यहाँ पर रिजर्व की बात करें तीन करोड़ का, का रिजर्व है सोलह करोड़ के आसपास का डेट है कंपनी कंसिस्टेंसी वर्किंग प्रोग्रेस में दो दो करोड़ रुपए लगे हुए हैं इसके अलावा कैश और भी चीजें यहाँ पर देख

जब भी एक शेयर नीचे आता है तो ऊपर भागता हुआ दिखाई देता है और ग्रोथ हमें नजर आ रही है हाईएस्ट एवर रि, रिजल्ट आ रहे हैं तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी ये सारी चीजें अच्छी खासी है यहाँ से भी मुझे लगता है जिस तरह जब तक कंपनी अच्छी खासा परफॉर्मेंस दे रही है ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहां पर कंपनी से डरने की जरूरत नहीं है आपको अपने पैसे लगाने की जरूरत है यहाँ पर अगर बात करें अच्छा खासा पैसा आपका फ्यूचर में बनता हुआ नजर आएगा बट यहाँ पर यहाँ पर इस चीज को भी देखिएगा स्मॉल कैप कंपनी है तो कंपनी गिरती हुई नजर आती है फिर भागती हुई नजर आती है पे गिरी गिरी बागी फिर आप स्टडी करिए फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए मैं यहाँ पर बायर हूँ आप अपने हिसाब से बाइंग करेंगे और इसके अलावा बात करें यहां पर लाइक कर दीजिए कमेंट कर दीजिए शेयर करिए हमारी वीडियो को ताकि इस तरीके की वीडियो आपको बेसिस से मिलती रहे थैंक यू सो मच ब्लेस